हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए ये प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है और यहाँ से इसको पहले सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ फाइल पे चलता हूँ और यहाँ पर इसको मैं सेव करता हूँ matrics मैट्रिक्स डॉट, और यहाँ पे सी प्लस प्लस के जो फाइल की एक्सटेंशन होती है वो डॉट सीपीपी होती है, तो डॉट सीपीपी लगा दिया हमने और यहाँ पर डेस्कटॉप पे इसको कर दिया है सेव। तो ये अब सेव हो गया। यहाँ पे नेम स्पेसेस का कॉन्सेप्ट भी यूज़ किया है मैंने, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैट वन बनाया मैंने जिसमें पहली जो मैट्रिक्स की वैल्यूज़ हैं वो ऐड होंगी, और मैट टू बनाया मैंने इसमें दूसरी वैल्यूज़ ऐड होंगी, और यहाँ पर लूप चलाने के लिए दो वेरिएबल्स एक्स्ट्रा बनाए मैंने आई और जे, और तीसरे में इन दोनों का जो एडिशन है वो स्टोर होगा। तो ये कुल मिलाकर के हमने बना दिया है। अब यहाँ से इसको कंपाइल करवाता हूँ, तो अगर कोई एरर नहीं है हमारे प्रोग्राम में तो सक्सेसफुली प्रोग्राम भी कंपाइल्ड हो जाएगा, और कंपाइल होने के बाद इसको रन करवाने की बारी है। तो चलिए यहाँ से इसको करवा लेते हैं रन। तो एक बार रन करवाते हैं, इसको देखते हैं क्या आता है। तो ये लिखा हुआ आ रहा है एंटर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। तो पहले मैट्रिक्स का एलिमेंट ऐड करते हैं, यहाँ 4 ऐड किया, 6 ऐड किया, 7, 56, और फिर यहाँ पे 78, फिर यहाँ पे 67, फिर यहाँ पे 89, फिर यहाँ पे हमने ऐड किया 78। अब यहाँ पे देखिए कुल मिलाकर के 9 वैल्यूज हमने एंटर कराई हैं। अब यहाँ पर दूसरे मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, पांचवी, छठवी, सातवीं, आठवीं, और एक और वैल्यू हमें देनी है नौवीं। तो बस अब इन तीनों का मैट्रिसेस का यहाँ पे सम होके आया हुआ है, आप देख सकते हैं। एक बार प्रोग्राम फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने हेडर फाइल है, और फिर यहाँ पे नेम स्पेसेस का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, और फिर तीनों यहाँ पे वेरिएबल्स का हमने बनाया है, और यहाँ पे लूप लगाया है, और ये कुछ इस तरीके से आप देख लीजिए प्रोग्राम पूरा। ये आपका पूरा प्रोग्राम है, और सी आउट सी इन इसके बारे में तो आपको पता है ही पहले से। तो इस तरह से मैंने ये प्रोग्राम बनाया है, और बनाने के बाद फिर जब इसको रन करवाया तो आपने देखा कि आउटपुट कुछ इस तरह का आया हमारे पास। तो आप कोई भी नंबर एंटर कीजिए, दो मैट्रिसेस का ये सम करके दे देगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मैंने यूज़ किया है इंटीजर, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इंट यूज़ किया है, तो आपको डेसिमल वैल्यूज़ नहीं एंटर करनी है, आपको होल नंबर ही एंटर करना है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।